नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे, अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ अपने कमेंट्स लेके, जो कल के वीडियोस में आप लोगों ने दिया था। तो सुनते हैं आप लोगों ने क्या क्या कहा है गुनगुन के बारे में और समर के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी रेहाना जी से। रेहाना जी, आज आपकी बेटियों को वेट नहीं करना पड़ेगा, उनको बोल देना आंटी ने सबसे पहले आपकी मम्मी का ही नाम लिया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपके कमेंट से। तो हो गुनगुन सती सावित्री है, गुनगुन को भी जेल भेजना चाहिए। समर ने गुनगुन और राधिका के पापा को रुलाया है, यही तो हालत है इन लोगों की, इसीलिए तो अब ये भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू रेहाना जी, मुझे हमेशा मेरे को सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुनीला नाथ जी का। नमस्कार सुनीला नाथ जी, शायद मुझसे नहीं आप जुड़े हो, तो वेलकम टू माय फैमिली। आपने लिखा है वेरी वेल सेड बहन जी, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी निर्कला तमंग जी का। नमस्कार निर्कला जी, आपने लिखा है आपने ठीक बोला, ये लोग मिले हुए हैं, राधिका ने ठीक करा, जैसा करनी वैसी भरनी। थैंक यू निर्कला जी, आपने मुझे कमेंट किया। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुमित्रा पटेल जी का। नमस्कार, आपने लिखा है सही बोला आपने दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सविता केशवाला जी का। नमस्कार सविता जी, आपने लिखा है सही बात है बहन जी, सही है, थैंक यू सो मच मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मारियाना CH मैरिक का। हेलो, आपने बोला है गुनगुन तो बहुत खुशी हो रही है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ गुनगुन के हाथ में होगा। समर, सही बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है, क्योंकि समर अब तो राधिका के पास जाने वाला है नहीं, अब तो वो डेफिनेटली राधिका को डिवोर्स देगा। तो रास्ता खुल गया गुनगुन का, अब तो गुनगुन का रास्ता खुला हुआ है, अब फिर से समर गुनगुन को ही मिलेगा। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अभिनंदन जी का। नमस्कार, आपने लिखा है सही बोला, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी बसंत पांडे जी का। नमस्कार, आपने थम्स अप दिखा के 100% लिखा है, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी गुंजा साहनी जी का। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि समर की माँ को अपने बेटे को पहले से संभाल के रखना चाहिए था। जब उसने राधिका से शादी की तो उसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि गुनगुन से वह दूर रहे, मगर बुढ़ी ने उसका कोई उपाय नहीं किया। जिसको आपने अपने गले से हटाना चाहते थे, आज उसी के गले में बड़ी बेटी है। लेकिन उसको लोग जो भला बुरा कह रहे हैं, वह हमें कहीं से बुरी लगती नहीं है। हमको सबसे बुरी राधिका लगती है। राधिका इसलिए बुरी लगती है कि वह अपने फ्रेंड के आदमी से शादी कर ली, क्यों करी भाई, शादी ऐसा कौन करता है? कौन से ऐसे लोग हैं जो मियां बीवी में झगड़ा नहीं करते हैं? वो क्या किसी की पति से शादी कर लिया जाता है? कुछ भी, आपकी कमेंट जो है ना, आपका कमेंट बिल्कुल सही है, आप अपने जगह बिल्कुल सही हो गुंजा जी। पर यहाँ पे राधिका अगर शुरू से समर को वो मनी मन पसंद ज़रूर करती थी, वो उसके हक़ को नहीं छीनी है, उसके हक़ गुनगुन ने खुद अपने हक़ को उसको छिनवाया है। अगर कोई लड़की बार बार अपने मायके चली जाए और वहाँ पे पति बार बार बोले कि मैं तुमको मौका दे रहा हूँ, तुम यहाँ रहो, तुम आ जाओ, अपने माँ बाप की बात मत सुनो, मेरी मम्मी के साथ मत करो, माना उसकी सास भी उसके साथ ऐसे ऐसे बात करती थी, रोटी कच्चिया बनाई है, ये की है, वो की है, खाना बनाना नहीं आता है, कपड़े ढंग से पहनती नहीं है, बहुत कुछ ऐसी बातें बोली गई है। पर यहाँ गुनगुन भी कम नहीं थी, गुनगुन ने भी अपने घर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। एक लड़की हमेशा घर को बचाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती है। जब एक लड़की शादी करती है तो वो सारे घर की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है, वो घर उसका अपना होता है, तब वो लड़की बार बार अपने घर उठ के नहीं जाती, अपने माँ बाप के कहने में नहीं चलती। यहाँ गुनगुन भाग के शादी की थी, पर गुनगुन यहाँ भाग के शादी करने बावजूद भी उसके मम्मी पापा जब उससे इन्वॉल्व हुए, उसे क्या चाहिए था? उसे बोलना चाहिए था कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, आप मेरे माँ बाप हो, ठीक है, उतने हद तक रहो, पर मेरी सास के संग कैसे ट्रीट करना है, मेरे पति के संग कैसे ट्रीट करना है, वो मैं अपनी बुद्धि से करूँगी, क्योंकि मैं एक अडल्ट इंसान हूँ, मैं जब भाग के शादी कर सकती हूँ
तो मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकूं, ना कि आप लोग मेरे ऊपर अपना डिसीजन थोपो। यहाँ वो अपना डिवोर्स पेपर ले रही है, दे के समर को दे रही है कि मुझे डिवोर्स दो, झूठ मूठ कर कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सब क्या अच्छी लड़की की निशानी है? नहीं, इससे क्या होता है, माँ बाप का सर झुकता है, माँ बाप के ऊपर ब्लेम किया जाता है कि आपने अपनी बेटी को सही से संस्कार नहीं दिए। और यही हम लोग देख रहे हैं कि गुनगुन को सही संस्कार नहीं मिला है। और दूसरी बात है, राधिका को अगर समर को पहले ही छीनना होता तो वो गुनगुन से शादी नहीं करने देती, वो तो बल्कि पैसे दी है समर को, हेल्प की कि जाओ तुम गुनगुन के साथ शादी करो। तो यहाँ पे राधिका कहाँ से गलत होती है मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, उसकी गलती ये है, वो इतनी बेवकूफ़ लड़की थी, पढ़ी लिखी दिल्ली में शहर में रहने के बावजूद भी वो बिना डिवोर्स लिए एक लड़के से कैसे शादी कर ली। उसको पता है समर गुनगुन का डिवोर्स नहीं हुआ था, फिर भी वो समर की माँ के बात में आके, वो तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी, वो समर की माँ के बात में आके फिर अपने भी, एक तो मर्ज़ी होता है शादी करना ही नहीं करना, उसकी खुद की मर्ज़ी थी शादी करने की, वो शादी कर ली। ये चीज़ उसने गलत किया, ये मैं भी बोलती, मैं शुरू से बोली हूँ, ये चीज़ राधिका की गलती थी यहाँ पर। जो गलती हुई, समर राधिका शादीशुदा हो गए, गुनगुन से फिर बाद में डिवोर्स हो गया, गुनगुन फिर ध्रुव की पत्नी बन गई। अब ये सब क्या, अब ये सब क्या शोभा देता है? किसी और का पति, किसी और की बीवी, एक्स एक्स वो थे, वो हस्बैंड वाइफ थे, अब एक्स है, तो एक्स एक्स होने का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्स होने का मतलब फिर क्या, सेक्स कर ले? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक अपना अपना देखने का नज़रिया है। आपको जहाँ गुनगुन सही लग रही है, वहाँ मुझे गुनगुन थोड़ी सी गलत लगी है। थोड़ी क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ही गलत लगी है, क्योंकि शुरू से अगर वो अपने घर को बचा के रखती तो कोई भी राधिका कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता। पर उसने ऐसा नहीं किया। पति जा रहा डिप्रेशन में, वो जा रही मेरी माँ के घर, वो वहीं बैठी है, मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहेगी, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रह सकती है, तो मेरी माँ का भी खर्चा तुम ही उठाओ। ये कोई अपने पति को बोलता है? आप ही बताओ, यहाँ कितनी सही है गुनगुन, कितनी सही। तो इसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मैं गुनगुन के बारे में और बोलने बैठूँ ना मैडम, तो मेरा ये पूरा ब्लॉग जो है ना, ये मेरा, मैं और किसी का नाम नहीं पढ़ पाऊँगी, इससे मुझे गुनगुन का नाम ही पढ़ना पड़ेगा। तो एनीवेज, और भी अगर कुछ हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में जवाब दूँगी, ठीक है? थैंक यू, मुझे गुंजा जी हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हो, मुझे मैसेज करते हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी शेख अजीज़ अहमद जी का। नमस्कार भाईजान, आपने लिखा है तीन मेंबर एक्टिंग अच्छा कर लेते हैं, तो यही बात है, समर, समर की माँ और गुनगुन। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अनवर भाई जी का। अच्छा अनवर भाई जी, अनवर भाईजान आप फिर मैसेज किए हैं। हेलो दीदी, और दीदी कैसे हो दीदी? हाय दीदी, दीदी कल तक तो गुनगुन इतनी बुरी थी कि गुनगुन को चप्पलों से पीटा जा रहा था, आज गुनगुन इतनी अच्छी हो गई, राधिका इतनी बुरी हो गई, समर की मम्मा का कुछ समझ नहीं आता है, मुझे खुद समझ नहीं आता भाईजान, मुझे तो कोई गिरगिट लगती है, गिरगिट की तरह रंग बदलती, कभी कुछ गुनगुन अच्छी हो जाती, कभी राधिका अच्छी हो जाती है, अल्लाह ही हाफिज़ है, इनका तो भाई कुछ कह नहीं सकते हैं, इनका तो अल्लाह भी मालिक नहीं है, अल्लाह ही बोलेगा बाबा तुम उससे दूर रहो, तुम लोगों को मैं पता नहीं क्या करूं, उनके लिए कोई भगवान काफ़ी नहीं है। एनीवेज अनवर भाईजान, थैंक यू सो मच, आपने मुझे हमेशा मैसेज करते रहते हो, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सिल्विया किंडो जी का। हेलो सिल्विया जी, आपने लिखा है गुनगुन इज़ लाइक कॉल गर्ल, पहनावा उसको अपना ठीक करना चाहिए, वो अपना पहनावा बिल्कुल भी सही नहीं करती है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी ब्रजेश कुमार जी का। ब्रजेश कुमार जी ने लिखा है, नमस्कार, आपने लिखा है माँ तो होती है बेटे के लिए, लेकिन समर ने कुछ नहीं सोचा, अगर समर ऐसी गलती नहीं करता तो जेल नहीं पहुँचता। सही बात है, वो जेल पहुँचा है अपने ही कारण, अपने ही करतूतों से। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सोफिया तस्नीम जी का। नमस्कार सोफिया जी, आपने लिखा है हाँ मैडम आप सही बोले, गुनगुन को और समर की मम्मी को भी जेल में डाल देना चाहिए, असली गुनहगार तो समर की मम्मी है, क्योंकि हर वक्त समर को सपोर्ट करती है, उनका सपोर्ट करना नहीं जाएगा, वो हमेशा अपने आँखों में पट्टी बांध के रहेगी। और अभी उनको पता है गुनगुन के कारण उनका बेटा जेल गया, मगर गुनगुन को जो घर से निकाले वो भी वो नहीं कर रही है। सोफिया जी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए हमेशा। नाम लेना चाहूँगी एंजेला मास्करेनस जी का। नमस्कार, आपने लिखा है यू आर ट्रू, राधिका शुड डिवोर्स समर। यस एग्जैक्टली, शी शुड डिवोर्स समर, इट्स वेरी हाई टाइम नाउ। समर विल डिवोर्स राधिका, दिस टाइम ही विल नॉट स्टे विद राधिका एनी मोर।
थैंक यू एंजेला जी, आप मुझे हमेशा मैसेज करते हो। शशि शुक्ला जी ने लिखा है, बहन जी आपने पहले ही बताया कि लड़की बहुत बदतमीज़ है। सही बात है, लड़की बहुत बदतमीज़ है, इतनी बदतमीज़ है कि उसका मुंह कभी बंद होता नहीं है। एक लड़की को अपने मुंह में लगाम रखना चाहिए कम से कम बड़ों के सामने। जितना भी आपका आप चरचराते हो, जितना भी आपको गुस्सा है, पर हर जगह आप नहीं इतना बोल सकते हो, आप थोड़ा चुप रहो। ये एक अच्छी लड़की की निशानी होती है, ये मुझे लगता है। दूसरों की क्या राय है मुझे नहीं मालूम फ्रेंड, बहन जी मुझे ये नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लगता है एक लड़की को हमेशा अपने दायरे में रहना चाहिए। यहाँ हम इंडिया में रहते हैं, ये हम फॉरेन कंट्री में नहीं रहते हैं कि जहाँ मर्जी चाहे हम बजर बजर करते रहे। अरे जहाँ बात करना ज़रूरी है, जहाँ हमारी बातों को लोग समझे वहाँ पे बात करो, जहाँ पे बात करना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जितना हो सके चुप रहो। क्योंकि मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ से सीखा है कि आप जितना चुप रहोगे ना, आप ज़िंदगी में उतना ही आगे बढ़ोगे, और दूसरी बात है आपको उतना ही समझ में आएगा कि अगले इंसान क्या बोलना चाहते हैं। तो इसीलिए पहली बात, शांत रहो, इतना बकर बकर करना ज़रूरी नहीं है। हाँ जितना ज़रूरत हो उतना बात करो, पर हम लेडीज़ आदत से मजबूर हैं। फिर मैं नाम लेना चाहिए राजकुमार शर्मा जी का, नमस्कार। आपने लिखा है, बेचारी राधिका शादी करके फंस गई। वो तो फंस गई और ये उसी के कारण वो फंसी है, उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, यही सबसे बड़ी भूल राधिका ने की शादी करके। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी इंदु शर्मा जी का, नमस्कार इंदु जी। आपने लिखा है, सबसे ज़्यादा गुनहगार समर की माँ है। एग्जैक्टली, समर की माँ सबसे मेन कल्प्रेट है। समर की माँ, समर की माँ अगर आज ठीक होती, समर का ये हालत नहीं होता, और समर की माँ अगर ठीक होती, अगर राधिका को इतना फोर्स नहीं करती, और राधिका भी अगर शादी नहीं करती समर से, तो गुनगुन समर शायद अलग होते भी नहीं, और अलग होते तो कम से कम राधिका के संग ऐसा नहीं होता। और यहाँ गुनगुन की शादी अगर ध्रुव से नहीं कराई जाती तो ध्रुव का भी जो हालत है ये भी नहीं होता। तो सब अपने अपने वो करने के लिए, अपने अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपना मतलब निकालने के लिए सब एक दूसरे के ऊपर ही सबको बलि चढ़ाया जा रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुब्रत विश्वास जी का, सुब्रत विश्वास जी नमस्कार। दादा आपने लिखे छे, गुनगुन को भी जेल जाना चाहिए। दीदी ये लोग हम लोगों को पागल बना रहे हैं, ये सब हम लोग को देख देख कर मतलब अजीब सा लगने लग गया है। राधिका के साथ क्या सजा मिलेगी ये नहीं पता, नहीं आज समर गया कल छूट भी सकता है, क्यों कोई क्या होता है, वो तो छूटेगा ही, उसको तो बेल मिलना ही है, वो अंदर गया है, वो तो कोई ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है, और दूसरी बात है वो उसने कोई मर्डर नहीं किया है, ये सब चीज़ के लिए वो कितने दिन जेल में रहेगा, वो ठीक निकल जाएगा। थैंक यू सुब्रत जी, सब समय हमारे सपोर्ट करबें, थैंक यू हमारे पास थकबें। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी बसंती टापनो जी का, बसंती टापनो जी नमस्कार। आपने लिखा है, बिल्कुल सही, मेरे को भी आप मुझे भी सही लगता है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी राजकुमार शर्मा जी ने फिर लिखा है, गुनगुन नहाती नहीं है क्या, पिछली समर के ब्लॉग्स की वीडियो में जो कपड़े पहने हुए थे वो इस वीडियो में भी पहने हुए थे। पता नहीं गुनगुन से पूछना पड़ेगा नहाती है कि नहीं, कि दिल्ली में भी तो बहुत गर्मी है, नहाना तो चाहिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अजीम शेख जी का, नमस्कार। आपने लिखा है, राधिका के साथ बहुत बुरा हुआ, राधिका के सास को जेल में डालो, राधिका किसको बोलेगी, वो बहुत अच्छी है। सच में राधिका बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, पर उससे एक ही गलती हुई जिसका उसको भुगतान अब करना पड़ रहा है। थैंक यू भाईजान, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो, थैंक यू। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मातृ दम जी का, नमस्कार। आपने लिखा है, व्यूअर्स ने तो जो यूट्यूबर्स ने बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, जिसने स्टार्टिंग से देखा उसको पता है गुनगुन की गलती ना राधिका की गलती। गुनगुन की लाइफ बर्बाद होने की मेन राधिका है, जो कि बेस्ट फ्रेंड बनके घर में आए और उसकी पति से डिवोर्स बिना शादी की, यहाँ उसने गलती की राधिका ने। समर की मम्मी बहुत पीछे पड़ी थी गुनगुन की, राधिका के साथ ऐसा करती तो राधिका चिल्ला के रोती थी, मम्मी पापा भी बोलते थे लेकिन गुनगुन ऐसा चिल्लाती नहीं है। समर की मम्मी को दूसरा डैडी शादी इतना जोड़ी नहीं देता तो आज गुनगुन समर के साथ होता और समर को जेल नहीं जाना होता। जो गुनगुन को करना था वो राधिका ने करा जेल में। वो गुनगुन भी चाहती समर को जेल कर सकती थी, क्योंकि गुनगुन और समर की डिवोर्स नहीं हुई थी और यहाँ समर ने गुनगुन से या राधिका से शादी कर ली थी, तो यहाँ पे गुनगुन का पूरा राइट था समर को जेल भिजवाने का, पर
वो ऐसा नहीं की। यहाँ पे राधिका ने ऐसा किया क्योंकि यहाँ राधिका के संग राधिका को लगा यहाँ उसका संग जस्टिस नहीं हो रहा है। और गुनगुन वहाँ पे ये चीज़ इसलिए नहीं की क्योंकि गुनगुन अगर समर को जेल भेजेगी वहाँ पे समर तो गुनगुन के बारे में ही बोलेगा क्योंकि गुनगुन ने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं जो काम गुनगुन को नहीं करने चाहिए थे, जैसे कि फॉल्स प्रेगनेंसी, डिवोर्स पेपर में साइन करके पति को देना कि ये तुम साइन करो, ये सब करना, ये कहाँ का ये इंसाफ है, ये सब एक लड़की करना। तो एक पति ऑटोमेटिकली उससे पीछे हो जाएगा, उसको जेलस कराने के लिए उसने राधिका से शादी कर ली। यहाँ पे गुनगुन नहीं की मगर यहाँ पे राधिका जो काम गुनगुन करना चाहिए वो काम राधिका की, बस यही फ़र्क इन दोनों में हो जाता है। फिर मैं नामना चाहूँगी ताशी सांगमो जी का, नमस्कार। आपने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला, समर की मम्मी एंड गुनगुन दोनों ड्रामा कर रहे हैं। गुनगुन अभी तक घर में ही है, वो घर में ही रहेगी ताशी जी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मारियन सी चरक गुन, अच्छा मारिना सी एच मैरिज जी फिर लिखती हैं, गुनगुन तो कभी खुश नहीं होगी, दो जिंदगी बर्बाद कर दिया है, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, लड़की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, ऐसी लड़की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, अच्छा है। तो ये हाँ, तो उसने सही में दो दो ज़िंदगी बर्बाद की। अगर उसे ध्रुव के संग घर नहीं बसाना था तो उसको ध्रुव को बोल देना चाहिए भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम रहने ही दो। फिर मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी कृष्ण सुवेदी जी का, कृष्ण सुवेदी जी ने लिखा है, समर की मम्मी को जेल भेजना पठाना होगा, हाँ उसकी मम्मी को जेल होना चाहिए। फिर यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी तारा ठाकुर जी का, बेटा मैंने आपको कल पहली बार मैसेज किया था लेकिन आपको शायद पता नहीं चला क्योंकि मेरे नाम की बहन है जो आपको मैसेज करती थी। अच्छा तारा बहन ठाकुर जी, और आप हैं तारा ठाकुर जी, अच्छा नमस्कार। फिर नाम तो नहीं सुना है जो आपने बोला कि गुनगुन को जूते से मारती, तो मैं भी यही कह करती, बहुत गुस्सा आता है उसको देखकर, इतनी बेशर्म लड़की है, बाप रे बाप, समर की मम्मी अपनी गलती राधिका के सिर मर रही, राधिका को बोल रही है कि तूने बड़ा है गुनगुन को, यहाँ राधिका और ध्रुव ये दोनों ही शरीफ थे, इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया इन लोगों ने, अब वो बोले तो बुरे हो गए, ये सोच रहे कि राधिका और ध्रुव कुछ ना बोले, हम करते रहें और तुम देखते रहो। अब अच्छा हुआ समर जेल गया और गुनगुन का तो कोई फ़र्क ही नहीं नज़र पड़ा। हाँ वो तो ऐसी तैयार होकर बैठी है जैसे कहीं पार्टी में जा रही है। अरे वो हमेशा ऐसी तैयार होती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना से फ़ायदा ढूंढती है, उसको रहने के लिए आसरा मिल गया है ना, वो वहीं पे ही खुश है, अब उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ समर से मतलब है। और समर अभी जेल में गया, उसको मालूम है समर तो छूट के आएगा ही, और आएगा तो अब सिर्फ मेरा ही समर बन के रहेगा, ना कि अब राधिका के पास जाएगा, इसलिए वो एकदम बिंदास है, जस्ट चिल। थैंक यू तारा जी, मुझे हमेशा सपोर्ट कर रहे हो आप, थैंक यू सो मच, आप मुझे ऐसे ही मैसेज करते रहो। हाँ मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी, तारा बहन ठाकुर है एक जन और आप हैं तारा ठाकुर। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी उषा भाटिया जी का, नमस्कार। आपने लिखा है, गुनगुन बहुत शातिर है, ध्रुव के साथ भी बकवास कर रही है, लंबी जबान है नागिन की, चुप नहीं रहती ये लड़की, इसको बकबक करना चाहिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी यूज़र CM7CN6E14M का, इन्होंने लिखा है, जो असली मुजरिम है इसको ही सीने में लगा कर रखो, वाह राधिका, मुँह से बेटा बेटा और दिल से बेटा भी बीबी राधिका, नहीं मानते हो, माँ भी बेटे के साथ है, बॉस बेटे को पक्का रोटी और खा खिलाने के लिए राधिका सही मुफ्त में, हाँ राधिका चाहिए मुफ्त में, और खा और घर से राधिका के बाप उठाए, कितने वाली भी रोक लिया, राधिका की जिम्मेदारी में राधिका, इन दोनों को भी जेल भेजो। सही बात है, समर की मम्मी को तो जेल जाना चाहिए, मैं तो बार बार बोलूँ समर की मम्मी को जेल जाना चाहिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी गुंजा जी का, अच्छा गुंजा जी फिर मैसेज की है, उन्होंने लिखा है, आप शुरू से वीडियो देखी हैं बहन कि कौन गलत है कौन सही है, गुनगुन तो एक मौका भी नहीं दिया गया कि वह अपने आप को सुधार कर ले, किसी की भी बेटी हो, आपसे ही पूछता हूँ, चलो मान आपकी बेटी है, गलती कर देती है तो क्या आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, गलतियां तो इंसानों से होती है, भूतों से नहीं बहन जी, हर जगह गुनगुन को गलत ठहराया जा रहा है,
इतनी भी बुरी नहीं है जितना बुरा उसके बारे में बोला जा रहा है। समर की मम्मी समर की गलती किया है, राधिका ने तो खुद गुनगुन के साथ इतना गलत किया है। अगर यह शादी नहीं की होती तो आज गुनगुन का लाइफ ऐसा बर्बाद नहीं होता। समर को, समर के मम्मी को जेल में डालो। इन लोगों को जल्दी पड़ी थी शादी करने की। जब गुनगुन की माँ जब गाँव में से आई तो गुनगुन के कितने पीछे पड़ी रहती थी। हाँ, खाना बनाना नहीं आता, रोटियाँ कच्ची बनती है, इसको ढंग से कुछ आता नहीं है। हाँ, ये सास का काम है, ये हर घर में सास करती हैं, चाहे बहू को जितना भी अच्छा करना आता हो, सास का ये काम होता है। क्यों, आप मेरे कमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जनता से नहीं, लेकिन आप ज़रूर चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आगे आप जो बोलेंगे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे बच्चे कल को गलती करेंगे तो क्या उसे हम सुधारने का मौका नहीं देंगे? डेफिनेटली हम सुधारने का मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे? पर हमारी बेटी अगर शादी करके किसी घर जाती है, मैं एज अ मदर उसको कभी ये गलत चीज़ में सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं उसको कभी नहीं उसके कान भरूँगी कि बेटा ऐसा ऐसा कर, वैसा वैसा कर, अपनी सास के संग ऐसा कर, अपने पति के संग ऐसा कर। मैं कभी ये चीज़ नहीं इनकरेज करूँगी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को कभी इनकरेज नहीं करती हूँ ये सब करने के लिए। मेरा, मेरे घर में जो भी होता है ये मेरे अपने दिमाग से होता है। भगवान ने मुझे सास बहुत अच्छी दी है, मैं आपको बहन जी बताती हूँ, मेरी सास 200% क्या, मतलब लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। मैं आपको ये एज अ बहू बोल रही हूँ, तो मुझे ऐसी सास नहीं मिली कभी जो मेरे एक एक ठो खुट निकाले कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, कभी ऐसा नहीं की। हमेशा अगर मुझे कुछ नहीं आया है तो मुझे हाथ पकड़ के सिखाई है एज अ मदर कि तुम ये चीज़ करो, वो कभी खुट नहीं निकाली। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ऐसी सास मिले, नहीं मिलेगी उसकी किस्मत, पर मैं कभी भी उसको इनकरेज नहीं करूँगी, कोई गलत चीज़ में साथ नहीं दूँगी। बस अगर आप अपनी बेटी की गलत चीज़ में साथ नहीं दोगे, उसको कान नहीं भरोगे, उसको हर बात में उसको बुद्धि नहीं दोगे, ऐसा करो वैसा करो, तो वो अपने आप अपने दिमाग से काम करेगी। तो वो क्या होगा ना, वो अपने हमेशा घर को बचाने की कोशिश करेगी, अपने घर को समेट के रखने की कोशिश करेगी, ना कि वो हमेशा उसको तोड़ने की या अपने पति से अलग जाने की, अपनी सास को यहाँ से हटाने की ये सब कोशिश करेगी। तो मेरे पास यही जवाब है। अगर आपको मेरे जवाब से सेटिस्फैक्शन मिली हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट में ही जवाब दूंगी। मैं नाम लेना चाहूँगी अमृत कौर जी का। अमृत कौर जी नमस्कार, आपने लिखा है मैडम मेरे पास हील्स वाली चप्पल है जो है कि मैं भी आपके साथ गुनगुन को मारती हूँ। वैसे तो जूते से रे मार ही रही है, बाकी की कसर हम पूरी कर देते हैं। चलिए मार के आते हैं, फ़र्क इसको फिर भी नहीं पड़ना बेशरम को। हाँ सही बात है, इसको जूते चप्पले डंडे जो है मार दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ना है। थैंक यू अमृत जी मेरे सपोर्ट में रहने के लिए और मेरे साथ जूते चप्पल मारने के लिए रेडी होने के लिए। थैंक यू, अगर मुझे लगे मैं आपसे चप्पलें लेने वाली हूँ। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी हाजरा खान जी का। हाजरा खान जी लिख रही हैं, समर की मम्मी गुनगुन को चप्पल मार के क्यों नहीं भेजती? गुनगुन बेशरम छेर भोली बन के दिखा रही है, शर्म बिल्कुल भी नहीं है, एक एक रुपए का शर्म नहीं है उसको, वो वहीं पे ही रहेगी, वहीं पे ही सब नौटंकी देखती रहेगी। तो एनीवेज दीपाली कैचिक जी आपका कोई मैसेज नहीं था, सुनंदा कोठारी जी आपका भी कोई मैसेज नहीं था, तो मैं आप लोगों का नाम ले रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीपाली जी का कल मैसेज था, वो भी मैंने जब अपना वीडियो छोड़ दी उसके बाद मैंने देखा, तो इसलिए मैंने उनको पर्सनली कमेंट किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच करोगे, चाहे लंबी क्यों ना हो गई हो। और मेरे पास जिनके जिनके नाम थे मैंने सब के नाम बोल दिए, आई होप किसी का नाम ना छूटा हो। तो आज मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।